हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे यूपीएससी 2018 का जो रिजल्ट आया है, जो टॉपर्स रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनके जो लिस्ट में नाम आए हैं, जो फ्री आईएएस कोचिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे फ्री आईएएस कोचिंग यहाँ पे कर रहे थे और उनका भी नाम टॉप लिस्ट में आया है दोस्तों। लेकिन इसकी बात शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, जो पहले टॉपर हमारे रहे हैं कनिष्क, उनके बारे में दोस्तों। कनिष्क हम सभी जानते हैं, अभी तक तो सभी को पता चल ही गया होगा कि कनिष्क का बैकग्राउंड क्या है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है इनका दोस्तों। यहाँ पे अगर एनालिसिस किया जाए ओवरऑल टॉपर्स का, तो यहाँ पे कम से कम टॉप 10 की लिस्ट में अधिकांश ऐसे टॉपर्स हैं जो बीटेक यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के टॉपर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम यहाँ पे इंजीनियर जो बीटेक या फिर इस बैकग्राउंड से हैं उनका ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले टॉपर यहाँ पे कनिष्क रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लड़कियों में सबसे पहली टॉपर यहाँ पे सृष्टि रही है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमने आज बात करनी है लड़कियों में सबसे पहले अव्वल दर्जे पे यहाँ पे सृष्टि जयंत को यहाँ पे मुकाम हासिल मिली है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं आखिरकार इन्होंने अपने पहले प्रयास में इन्होंने कहा क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जिन्हें यहाँ पे फ्री में कोचिंग जो फ्री में कोचिंग के थ्रू यहाँ पे स्टूडेंट एक स्टूडेंट है जो टॉप लिस्ट में है और फ्री में कोचिंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वहाँ पे फ्री में उन्होंने वहाँ पे कोचिंग की और वहीं से पढ़कर यहाँ पे उन्हें यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे अंडर 10 में उन्हें सफलता मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सृष्टि की कि आखिरकार इन्हें सफलता कैसे मिली। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि भोपाल की सृष्टि ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में कामयाबी पाई। उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि वह एक ही बार में परीक्षा देंगी। सृष्टि अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, दोस्त और टीचर्स को देती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ये देखिए भोपाल की सृष्टि जयंत, देखिए ये भोपाल की रहने वाली हैं बेसिकली, और इन्होंने पहले अटैम्प्ट में ये क्रॉस किया है और इन्हें ऑल इंडिया रैंक 5th मिली है, AIR 5 मिला है, यहाँ पे भारत में उन्हें 5वां स्थान मिला है इस परीक्षा में दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखिए दोस्तों जो सृष्टि हैं इनका भी बैकग्राउंड बीटेक का ही रहा है और इन्होंने भी बीटेक कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने पहले ही प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी पाने वाली सृष्टि जैन देशमुख, इसे बचपन का सपना सच होने ऐसा मानती है। भोपाल की सृष्टि जैन देशमुख महिला अभ्यर्थियों में से सीट्स पर रही हैं, जबकि सम्मिलित सूची में 5वें पायदान पर रही हैं, वही जो बातें मैंने बताई। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए, यूपीएससी ने शुक्रवार को सिविल सेवा अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए बेसिकली क्या दिया है। भोपाल में अपने घर पर इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए सृष्टि ने कहा, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आप 1 से 1.5 साल तक पूरी तरह समर्पित रहते हैं। दोस्तों देखिए, टॉपर जो कहते हैं वो तो एकदम सच होता है और फैक्ट है वो एकदम सच होता है दोस्तों। ये कंसिस्टेंसी जो लगातार यहाँ पे सतत परिश्रम करने की बात आती है, वो कम से कम 1 से 1.5 साल आपको यहाँ पे परिश्रम करनी होगी, लगातार यहाँ पे पढ़ना होगा दोस्तों। लोग पूछते हैं कितने घंटे, दोस्तों घंटों का मत गिनिए, बस इतना गिनिए कि आपने उतने समय में कितना ज़्यादा अचीवमेंट क्या अचीव किया। अगर आप 8 घंटे पढ़ो तो 8 घंटों में आपने क्या अचीव किया है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने यही बताया है दोस्तों, 1 से 1.5 साल तक पूरी तरह आपने आपको समर्पित कर देना होगा यूपीएससी को। इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि मेरे माता पिता, परिवार, दोस्तों और टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए उन्हें भी इसलिए उनको भी जाता है। मैंने पहले ही सोचा था कि मेरा पहला प्रयास मेरा आखिरी प्रयास होगा। दोस्तों आप भी अगर ये मन बना लेते हैं कि आपका जो पहला प्रयास यूपीएससी का पहला प्रयास होगा, जो आप पहला अटैम्प्ट देंगे वही आपका अंतिम अटैम्प्ट होगा, तो दोस्तों ये यकीन मानिए, अगर इस जज्बे के साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस जज्बे के साथ आप जाते हो परीक्षा में बैठते हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सफलता मिलनी कई हद तक यहाँ पे मुमकिन नजर आती है दोस्तों। इसी के साथ साथ इसीलिए इन्होंने कहा, इसलिए मेरा निश्चय था कि एक ही प्रयास में इस प्रतियोगिता में सफल हो जाऊँ। आगे इन्होंने दोस्तों देखिए क्या कहा है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे सृष्टि ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से बीई केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई करने वाले कनिष्क कटारिया ने सिविल सुरक्षा परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों अगर यहाँ पे बात की जाए आईआईटी बॉम्बे से पढ़े कनिष्क कटारिया की, तो दोस्तों उनका बैकग्राउंड पहले से ही वो जॉब में थे, और यहाँ पे दिल्ली आने की बात आती है, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं दिल्ली आना क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कनिष्क कटारिया ने यहाँ पे दिल्ली में 6 से 7 महीने का समय यहाँ पे व्यतीत किया, वो भी कोचिंग के लिए। इन्होंने वाजीराम एंड रवि कोचिंग ज्वाइन की थी जो कि दिल्ली में है। 6 से 7 महीने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ यहाँ से चले गए, मतलब अपना जो भी समय था, जो भी कोचिंग का अपना ड्यूरेशन था, वो कोचिंग करके यहाँ से चले गए। दोस्तों बहुत से लोग लगातार पूछ रहे हैं क्या कोचिंग की भूमिका है, नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो लगातार पूछ रहे हैं क्या हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन कितना हुआ। दोस्तों इन सभी पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदी मीडियम वालों बच्चों का सिलेक्शन कितना हुआ है, क्या हुआ है, परसेंटेज ग्राफ क्यों उतना ज़्यादा गिर रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं और इन्होंने यहाँ पे क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। दोस्तों यूपीएससी ने एक बयान में बताया है कि आयोग ने आईएएस आईपीएस और आईएफएस आदि पदों पर नियुक्ति के लिए 759 अभ्यर्थियों नाम घोषित किए हैं। दोस्तों इस बार 759 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, जिनमें से 577 पुरुष और 182 महिलाएं हैं। दोस्तों जो कटारिया है, जो ऑल इंडिया रैंक जिन्हें एक मिली है, वो अनुसूचित जाति मतलब यहाँ पे एससी कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा उन्हें मिला होगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था, कटारिया का ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स से उन्होंने ऑप्शनल अपना रखा था, वैकल्पिक विषय को यहाँ पे मैथ्स रखा था। इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया रखा है, सीएस से बीटेक है। दोस्तों जी तो नहीं कटारिया की बात। अब दोस्तों लगातार एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का जो ग्राफ है, परसेंटेज है, वो गिरता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ क्लियर होना चाहिए कि हिंदी मीडियम का जो ग्राफ गिर रहा है वो किन्हीं कारणों, यहाँ पे कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ आयोग जिम्मेदार नहीं होती है। दोस्तों होता क्या है कि जब यूपीएससी का स्टूडेंट, हिंदी माध्यम का यूपीएससी का स्टूडेंट प्री परीक्षा मतलब पीटी ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, जो परसेंटेज है प्री परीक्षा क्वालिफाई करने का, जिसमें सिर्फ ऑप्शन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई भेदभाव का, लोग कहते हैं कि यू हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो दोस्तों भेदभाव एकदम नहीं किया जाता है। यहाँ पे मैं साफ बताना चाहता हूँ, आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। दोस्तों कुल जो परसेंटेज है यूपीएससी में हिंदी माध्यम के बच्चों का, वो परसेंटेज जो है, देखिए ओवरऑल यहाँ पे अगर बात की जाती है तो कुल परसेंटेज की बात की जाती है, तो पीटी में से मतलब प्री एग्जाम जो यूपीएससी का प्री एग्जाम होता है, उसे ही बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते, हिंदी मीडियम के बच्चे क्वालिफाई कर नहीं पाते। लोगों भेद, यहाँ पे लोग आरोप लगाते हैं कि हिंदी मीडियम के साथ मतलब भाषा के साथ भेदभाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम का बच्चा प्री ही नहीं क्लियर कर पा रहा है, तो दोस्तों प्री में तो भाषा की कोई बात आती नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक को टिक यहाँ पे लगाना होता है। दोस्तों इसमें तो कोई भाषा की बात नहीं आती, इसमें कोई लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव तो होता नहीं है। तो प्री में ही जब रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट कहां से अच्छा आएगा। दोस्तों ये जो आरोप लगते हैं यहाँ पे आयोग पर, दोस्तों ये आरोप एकदम से कहीं ना कहीं से निचले स्तर के हैं दोस्तों। और अगर आप सतत प्रयास में हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो दोस्तों सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों ये तो रही हिंदी मीडियम की बात। इसी के साथ साथ दोस्तों लगातार जो बात कही जा रही थी कि कितने साल तक तैयारी होनी चाहिए, तो दोस्तों कम से कम यहाँ पे 1.5 साल लगातार की बात होती है दोस्तों, लगातार सा। और घंटों की बात अगर लोग लगातार पूछते हैं, घंटे तो दोस्तों ले सकते हो आप, लगातार 8 से 10 घंटे यदि आप पढ़ते हो, कम से कम 1 से 1.5 साल, दोस्तों सफलता कहीं ना कहीं आपके हाथ में ये मिलनी ही मिलनी है, और सफल आप होगे ही तो होगे। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत से टॉपर्स हैं जिनके इंटरव्यू ऑली यूपीएससी यहाँ पे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे इन फ्यूचर। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लगातार यहाँ पे जो लिस्ट है, टॉपर्स की लिस्ट है, वो यहाँ पे पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, हालांकि सभी तक तो अभी तक जो लिस्ट है वो पहुँच गई होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो लोग अभी नए हैं हमारे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, दोस्तों अभी किन्हीं कारणों बस जो यहाँ पे प्रीलिम्स फैक्चुअल जो वीडियो जाती थी वो
यहाँ पे आज अपलोड नहीं हो सकी है, कल भी अपलोड नहीं हो सकी थी, इसके लिए बहुत ही माफी चाहता हूँ। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको इंपल्डेंस फैक्चुअल जो वीडियो है वो पसंद आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं किन किन लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियोज आपके यूपीएससी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे कनिष्क कटारिया ने यहाँ पे बताया है जो करंट की चीजें हैं, करंट ओरिएंटेड चीजें हैं वो लगातार यहाँ पे पढ़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों लगातार पढ़ी जानी चाहिए करंट की चीजें, जो वीडियोज यहाँ पे अपलोड की जाती हैं वो अगर आप सतत यहाँ पे अपने नोट्स बनाते हो, उसका अध्ययन यहाँ पे डीपली आप अच्छे बारीकी तरीके से उसका स्टडी करते हो, तो दोस्तों आपको करंट इस तरह के पोर्शन में यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों होता क्या है कि लोग दिल्ली में क्या करते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर की भी कोचिंग करने लगते हैं, 2 महीने 1.5 महीने की कोचिंग होती है और बड़ी भारी फीस यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते हैं। दोस्तों कटारिया जो यहाँ पे कटारिया ने मात्र 7 से 8 महीने यहाँ पे जो वाजीरामन रवि को ज्वाइन किया था, वहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, दोस्तों पूरी कोचिंग भी नहीं की थी वाजीरामन रवि में और वो लौट गए थे 7 से 8 महीने में। और दोस्तों करंट वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं होता दोस्तों, इसलिए करंट जितना हो सके करंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर निर्भर ना रहे, अपने खुद से करंट को यहाँ पे बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें से आपको ओनली आईएएस हो गया, इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें करंट के अच्छे अच्छे टॉपिक्स वहाँ पे डेली अपलोड किए जाते हैं। इसी के साथ साथ ओनली यूपीएससी पे यहाँ पे प्रीलिम्स फैक्चुअल जैसे चीज़ें अपलोड की जाती है। दोस्तों इन सब चीज़ों को बारीकी से लेकर पढ़े, पीआईबी के वेबसाइट को यहाँ पे छान मारे, आप इस तरह की चीज़ों को आप लगातार देखते रहें और करंट से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आशा करता हूँ आप का भी नाम अगली बार इस लिस्ट में जरूर हमें देखने को मिलेगा और आप पर भी हमें वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, हमें और बहुत अधिक खुशी होगी। दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप इनका नाम इस लिस्ट में होगा वो कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ।